हे माता दी जय माँ दुर्गे माता मैं सबसे पहले आपसे विनती करता हूँ प्रार्थना करता हूँ जो भी दर्शक मेरे वीडियो को लाइक करता है तथा पूरा पूरा देखता है आप उसके जीवन में किसी प्रकार के कोई दुख दर्द मत आने देना उनके जीवन में खूब पैसा बरसाना वैसे आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा चमत्कारी उपाय लेकर आया हूँ आप इस पौधे को कहीं ना कहीं देखे होंगे जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस पौधे में अनेक प्रकार के चमत्कारी गुण पाए जाते हैं वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती कोई भी पेड़ पौधे होते हम लोग जब तक इसका महत्व नहीं समझते हैं इसका प्रयोग नहीं जाते ज्ञान के अभाव में इस पौधे को उखाड़ करके यूं ही यत्र तत्र फेंक देते हैं लेकिन आज मैं जिस मैं पौधे की बात करने जा रहा हूं ये पौधा आपके घर के आसपास ज़रूर कहीं ना कहीं होगा ही होगा और आप इसे भूल से भी आप यूँ ही फेंका फेंक मत दीजिएगा उखाड़ करके इसका यदि आप उपाय जान लें तो बहुत ही जबरदस्त उपाय है जो पौधा है इस पौधे के दोनों तरीके से फायदे हैं पहला जो वास्तुशास्त्र के अनुसार मतलब तांत्रिक प्रयोग और दूसरा जो हमारा है वनस्पति प्रयोग मतलब अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी इससे बनाई जाती हैं और आप इसके जो फायदे जानकर के आप अचंबित रह जाएंगे आपके घर में कैसी भी समस्या हो दिक्कत परेशानी हो चाहे धन संबंधी हो चाहे आर्थिक संबंधी हो कैसी भी हो यह जड़ जो है इसका जो पौधा है ना बहुत ही अचूक इसमें फायदे हैं यदि लंबे समय से बीमारी से झेल रहे हैं या कुछ ऐसे वनस्पति में आयुर्वेदिक गुड़ भी इसके मैं बताऊंगा जिसको जान करके आप हैरान हो है जाएंगे क्योंकि तो इसके जड़ में जो ऐसा माना जाता है कि माता गंगा का निवास है और एक बुद्ध की अमृत का कुछ बूदे भी इसमें समाहित हुई है इस वजह से इसके जड़ का और इसके बीजों का बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग होता है ये जो पौधा है इसे आप जो अपने अगल बगल देखेंगे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है कुछ लोग इसे जो लटजीरा के नाम से जानते हैं कुछ लोग इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं और कुछ लोग तो इसे अपमार्ग से नाम से जानते हैं अच्छा अपमार्ग मतलब तो क्या होता है कि अपना मार्ग अपना मार्ग बदल देना Osionfish. क्योंकि इसके जो बीज होते हैं इसके बीज उल्टी दिशा में होते हैं सबके बीज जो सब पेड़ पौधे के बीज जो, जो, जो सीधी दिशा में होते हैं लेकिन जो इसके बीजों की जो दिशा होती है उल्टा होती है इस वजह से इसका नाम जो अपमार्ग मतलब तो अपना मार्ग जो है बदल देते हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग देश में अलग अलग क्षेत्र में इस पौधे को अलग अलग नाम से जाना जाता होगा लेकिन जो इसका चमत्कारी जो प्रयोग है सब जगह सेम होता है हम लोग ज्ञान के अभाव में ये जो पेड़ पौधे होते जड़ी बूटी होते इसका प्रयोग नहीं जान पाते चाहे वनस्पति हो चाहे तांत्रिक प्रयोग हो कोई भी उपयोग नहीं जान पाते जिसके वजह से कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ जो हमारे घर के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाती है ज्ञान के अभाव में इनको उखाड़ करके यूं ही फेंक देते हैं और लाखों करोड़ों रुपया दवा के पीछे भुगत करते रहते हैं यदि आप इसका प्रयोग जान लेते हैं तो आपका यह लाखों करोड़ रुपया बचा सकता है एक बार मेरे दरवाजे पर एक जो साधु महात्मा है और काफ़ी जानकार वो साधु महात्मा थे मैंने उस साधु महात्मा से पूछा कि महाराज जी जब आप लोग तपस्या करने जाते हैं तो साल साल भर दो दो साल तपस्या करते हैं पर्वतों पहाड़ों पर जा कर के आखिर बिना खाए पिए कैसे रह जाते हैं तो उस महात्मा ने बड़ा सिंपल सा जवाब दिया कहा कि देखो बेटे तुम्हारे घर के आसपास भी वो चीज़ें होती हैं और जड़ी बूटी में जो ताकत होती है वो कहीं नहीं मिलती है कि एक चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है और उस पौधे का जो बीज होता है हम लोग क्या करते हैं उस बीज का जो है खीर बना करके दो चम्मच बस खा लेते हैं दो चम्मच खा लेने से हम लोगों को महीनों जो है ना तो भूख लगती है ना तो प्यास लगती है और आराम से हम लोग भगवान का भजन तपस्या करते रहते हैं भूख का टेंशन नहीं रहती है तो इसका खीर बस मात्र खा लेने से आपको भूख प्यास नहीं लगती और अपने भगवान का भजन कीर्तन करने में मस्त बिजी रहते हैं इसके जो इतने चमत्कारी उपाय क्योंकि इसके जड़ में जो यदि आप इसका उपाय कर लेते हैं तो इसके जड़ में जो माता गंगा का निवास होता है कुछ बूदे अमृत के भी समाहित हुई है इस वजह से आज का इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे जो प्राचीन काल से ही इसका उपाय चला आ रहा है और धीरे धीरे यह लुप्त होने के कगार पे चले जा रहे हैं क्योंकि इसका ज्ञान के अभाव में कुछ लोग प्रयोग करते ही नहीं तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेगा कि जो आयुर्वेदिक ज्ञान है जो हम लोगों को जड़ी बूटियों का ज्ञान है हम लोगों तक ही सीमित नहीं रहे क्योंकि साधु महात्मा तो इसका उपयोग जानते हैं लेकिन साधु महात्मा इसको शेयर नहीं करते तो मेरे को कैसे भी इस प्रकार के नॉलेज मिलते हैं मैं आप लोगों के पास पहुंचाने का काम करता हूं तो आप कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और माता रानी के यदि भक्त होंगे माता रानी से प्रेम करते होंगे तो कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूरी लिखेगा तो चलिए हम लोग इसके सबसे पहले हम लोग कुछ इसके आयुर्वेदिक उपाय कर लेते हैं ठीक है आयुर्वेदिक उपाय जान लेते हैं उसके बाद चमत्कारी उपाय भी जानेंगे सबसे पहला नंबर की बात है कि हमारे घर के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग ब्रश नहीं करते हैं वो लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं किसी ना किसी जो पेड़ पौधे की जड़ को तना को तोड़ करके लाते हैं और उसका दातुन करते हैं और यदि आप जो है इसके दातुन करते हैं जो अपमार्ग है जो चिड़चिड़ा इसके पौधे का यदि आप दातुन करते हैं तो आपको दांतों में अनेक प्रकार के फायदे मिलेंगे और प्राचीन काल से जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं वे लोग जो है इसका उपाय करते हैं लेकिन आजकल के जो नौजवान पीढ़ी है ब्रश करती है अनेक प्रकार की कुछ ऐसी करती है तो इसका जो दातुन करने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुने गए यदि आपके दांतों में दर्द हो दांतों में सूजन आ गया हो आपका जो है मसूड़ो फूल गया हो दांतों में सड़न स्टार्ट हो गए दांत जो है टूटना स्टार्ट हो गया हो कुछ ऐसी अनेक प्रकार के उसमें दर्द बनी रहती है बैक्टीरिया बन गए हो दांत पीले पड़ गए हो दांत भद्देदार हो गए ठीक नहीं दिख रहे हैं दांतों में चमक नहीं दिख रहे अनेक प्रकार के दांतों की, की समस्याएं अगर आपके दांत में है तो बस इसका एकमात्र जो है चिड़चिड़ा के पौधे का दांतुन करिएगा कैसा भी दर्द हो कितना भी जबरदस्त उसमें सड़न क्यों ना हो रहा बैक्टीरिया जो है अटैक कर चुके हैं सारे के सारे जो है बीमारियां यूं ही समाप्त कर देगा मात्र अगर कम से कम पंद्रह दिन अगर कर लेते हैं तो जड़ से उन सारी बीमारियों को खत्म कर देता है लेकिन ज़्यादा दर्द होता तो एक से दो दिन बस करिए दर्द में राहत मिल ही जाता है ये चिड़चिड़ा का जो पौधा होता है इतना चमत्कारी उपाय होता है दूसरा नंबर का जो बात है कि यदि आपके सिर में दर्द होता हो ठीक है आपके शरीर में कहीं पर जो है आपको दर्द होता है तो वैसे क्या करिए इसके पत्ते का जला करके भस्म बना लीजिए ठीक है पत्ते का क्या करना है जला करके भस्म बना लेना और उस भस्म को जहाँ पर भी दर्द करता उस जगह पर जो है लगा लीजिए ले लेकिन अगर आपका सर दर्द ज़्यादा कर रहा उस सिर में दर्द हो तो सिर में दर्द लगाने से नहीं ठोका, ठीक होता है तो इसको क्या करना है आपको इसके बीजों को कलेक्ट करिए जो पक्के रहते बीज उसको कलेक्ट करना है और पके हुए बीजों का एक पाउडर फॉर्म में बनाना है ठीक है पाउडर बनाना है पीस करके पीसने के बाद पाउडर जब बन जाए तो एक चुटकी लेकर इसको सूंघना है और जैसे जैसे आप सूंघेंगे मुश्किल से दो से तीन मिनट ही सूखेंगे मात्र बस सूंघने मात्र से आपका सर दर्द जो है गायब हो जाता है कैसा भी सिर दर्द हो मानसिक तनाव हो माइंड डिप्रेशन में हो कुछ ऐसी वैसी जो बीमारियां हो चाहे अनिद्रा की वजह से आपका सिर में दर्द हो कि या तबीयत ख़राब हो उसके वजह से धूप के वजह से लू के वजह से आपके शरीर में चिड़चिड़ापन होता है कुछ ऐसी भी प्रकार के कई सारे वजह से जो सर में दर्द हो जाते हैं तो कैसा भी दर्द हो बस इसको सूंघने मात्र से आपका सर दर्द गायब हो जाता है रामबाण इलाज है इसका सर दर्द का और दाँत दर्द दोनों का बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये जो है आयुर्वेदिक में ऐसा आपको ज्ञान मिलता नहीं फ्री का जो दवाइयाँ है ठीक है अब रगी बात हम लोग इसका चमत्कारी प्रयोग जान लेते हैं जो तांत्रिक शास्त्र के अनुसार जो इसका जो चिड़चिड़ा चीर का पौधा है बहुत ही चमत्कारी होता है और कई लोगों इसको करके अपना काम सिद्ध भी कर लिए पूरा भी कर लिए इस वजह से मैं जो जानकारी दे रहा हूँ ना ज्ञान हल्के मत लीजिएगा प्रमाणित जानकारी है प्रूफ के साथ में पहला नंबर का जो उपाय है बहुत ही सिंपल है सरल है लेकिन सावधानी से करना है ठीक है क्योंकि कोई भी उपाय जो चमत्कारी किया जाता है वो समय पर ही किया जाता है क्योंकि समय सही मुहूर्त पर सही समय से सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है पहला नंबर का उपाय है जो है यदि किसी महिला का डिलीवरी होने वाला है मतलब प्रसव पूर्व होने वाला है प्रसव होने वाला है और प्रसव होते समय जो है डिलीवरी होते समय काफ़ी दर्द हो रहा है विलंब हो रहा है पीड़ा बहुत जोर से हो रही है पीड़ा इतनी जबरदस्त हो रही है आसानीय हो रहे थे इस स्थिति में अधिकतर लोग मेडिकल में चले जाते हैं हॉस्पिटल में चले जाते हैं और वहाँ पर जो चीर फाड़ होकर के बच्चे को निकाल लिया जाता है और जो चीर फाड़ होता टाके है टाँके लगते हैं बाद में जो अनेक प्रकार के समस्याएँ खड़े कर सकते हैं तो यदि आप चाहते हैं कि इस प्रकार की समस्या ना हो टाका ना हो पेट का चीट फाड़ ना हो दर्द ना हो तो आप जो इसके जड़ का बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है कर लीजिएगा करना क्या है आपको जिस भी महिला का डिलीवरी होने वाला है ठीक है सुगमता पूर्वक से आप चाहते हैं तो इसके जड़ लाना है ठीक है इसके जड़ को लाना है थेके? और दर जड़ को ले करके उसके साथ में क्या करना है कि चावल ठीक है चावल और थोड़ा सा पानी इसको ले करके एक जो है काला कपड़ा में बांध लेना है ठीक है काला कपड़ा में बांधेंगे या लाल कपड़ा में बांध दीजिए लाल कपड़ा में बांधेंगे तो बेहतर होता है तो लाल कपड़ा में बांध लेते हैं जड़ दो चार चावल और पानी ओके इसको भिगो करके क्या करना है लाल कपड़े में बांध करके और इसको कमर में बांध देना जिस भी महिला का प्रसव होने वाला है डिलीवरी होने वाला है बस इसको कमर में बांध देना बस जो दर्द हो रहे थे जो बच्चा बाहर नहीं आ रहा था वह जल्द ही कुछ ही समय में बहुत ही आसानी से सुगमतापूर्वक जो डिलीवरी हो जाएगी नॉर्मली हो जाती है और लेकिन जैसे ही जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो इसको खोल करके निकाल देना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा लंबे समय तक यदि रहेगा तो जो हमारा गर्भधान होता है उसको भी बाहर कर सकता है तो तुरंत जैसे बच्चा डिलीवर हो जाता है उसके बाद जो है इसको निकाल करके हटा देना चाहिए ठीक है ये तत्काल परिणाम देता है इसको आप हल्का मत समझिएगा इसको इसका उपाय जो है प्राचीन काल में बहुत लोग करते थे और जो लोग जानते हैं भाई वही करते हैं नहीं जानते हैं तो कैसे करेंगे ठीक है इसका उपाय जो बहुत ही जबरदस्त होता है दूसरा नंबर के उपाय है कि यदि आप कार में तरक्की करना चाहते हैं ठीक है कोई भी कार्य करते हैं कार में सफलता नहीं मिलती आपका दुकान हो व्यापार हो धंधा जो ठप पड़ गया हो तो आप इसके जड़ का जो है ठीक है रवि पुष्प नक्षत्र में रवि पुष्प नक्षत्र में लाना है या कार्तिक कार्त, नक्षत्र में ला सकते हैं या कोई शुभ दिन हो अमावस्या हो दीपावली हो पूर्णिमा हो कोई शुभ दिन जो है इसके जड़ को लाना है और इसके जड़ को आपको लाल कपड़े में बांध करके आपको अपने दुकान पर बांध देते हैं जहाँ पर भी आप व्यापार करते हैं उस जगह पर बांध देते हैं तो जहाँ पर पांच ग्राहक आते थे अब वहाँ पर दस ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि यह जड़ जो ग्राहकों को कस्टमर को अपनी तरफ खींचता है और आपकी आमदनी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोते होना शुरू हो जाएगी यदि आपको माता रानी पर भरोसा है तो आप जो इन उपायों को जरूर करिएगा अवश्य ही आपका जो काम सफल होते हैं दूसरे नंबर की बात है कि यदि आप बेरोजगार है चाहे कोई भी व्यक्ति हो वह बेरोजगार है लंबे दिनों से नौकरी के तलाश में है उसकी नौकरी मिल नहीं पा रही इंटरव्यू देने जाता है लेकिन फेल हो जाता है तो आप इसके जड़ का बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है ठीक है करना क्या है सबसे पहले इसके जड़ को निमंत्रण देना है कभी भी इसके जड़ को उखाड़ने से पहले इसको निमंत्रण देना है तो निमंत्रण देना, तो देना है तो आप निमंत्रण जो है शनिवार को दे सकते हैं या रविवार को दे सकते हैं ठीक है निमंत्रण देता है कि मेरे को इस कारण इस वजह से मैं आपको ले जा रहा हूँ कृपया आप मेरा काम जो है पूरा करिएगा शनिवार या रविवार को रात के समय में जाइए और निमंत्रण दे सोमवार के दिन जो है ले करके चले जाना है ठीक है उसके जड़ को लाना है और लाने के बाद आपको जो है लाल कपड़ा में जो है बांध करके और अपने घर का जो पूजा मंदिर है उसमें रख करके उसकी पूजा करना है भली भात से ठीक है पूजा करने के बाद सोमवार को पूजा करना है आपको मंगलवार को पूजा करना है ठीक है वहीं पर छोड़ देना और बुधवार के दिन जो है इस लाल कपड़े को क्या कर है एक धारण कर लेना है यदि बाजू में धारण कर लेते गले में धारण कर देते तो बस धारण करने मात्र से आपका कोई भी कार्य जो है विफल नहीं होता और बेरोजगार है नौकरी की प्रयास करें तो आपको नौकरी भी मिलेगी अवश्य ही मिलेगी इस उपाय को एक नागा बाबा ने हमको बताया था जो बहुत ही सफल और सिद्धि उपाय है आप इसका उपाय जरूर ही कर लीजिएगा ठीक है यदि आप ज्यादा परेशान हो चुके हैं तीसरा नंबर का जो उपाय है नजर दोष से बचने के लिए भूत प्रेत का साया हो किसी की नजर लगे किसी ने आपको टोना टूट का कुछ कर दिया हो, ऐसा आपको कुछ लग रहा है कुछ आपके साथ आंतरिक शक्तियाँ कुछ ना कुछ है तो आप इसके जड़ का जो है बहुत ही सिंपल सा उपाय कर लीजिएगा आपको इसके जड़ का लाना है ठीक है जड़ को ला करके एक ताबीज में ठीक है चांदी का ताबीज में इसको ओ, पहन लेना है यदि आप चांदी के ताबीज में इसके जड़ को पहन लेते हैं शनिवार के दिन धारण करना कैसा भी नज़र दोष हो तांत्रिक शक्ति हो कोई टोना टोटका किया हो कुछ भी हर के हो हर प्रकार की बुरी शक्तियों से आप करेंगे सुरक्षित रहेंगे और आपके ऊपर कोई बाल बांका भी नहीं कर पाएगा अनेक प्रकार के वैसे जो चिड़चिड़ा का जो जड़ होता है ना अनेक प्रकार के चमत्कारी फायदे होते हैं लेकिन हम लोग क्या करते हैं ज्ञान के अभाव में उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं और जो लोग अयुर्विदा जानते हैं जो लोग टोना टोटका करना जानते हैं तांत्रिक जो होते हैं इन सब का बहुत ही सिंपल से ऐसे ही जड़ होते हैं जिसका ताबीज बना करके हम लोगों को देते हैं और अनेक बहुत सारे पैसे भी कमा लेते हैं रहेगा पाँच रुपये का भी नहीं रहेगा और आपसे पाँच हज़ार दस हज़ार रुपया का भी ले लेते हैं क्योंकि ज्ञान के अभाव में नहीं पता रहता तो कोई जादू टोना नहीं करते बस इसके जड़ को आपको दे देते हैं और पैसे की डिमांड कर लेते हैं बस यही काम करते हैं तो आपको अब कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं इसके जड़ को चांदी के ताबीज में बनवा करके शनिवार के दिन यदि धारण करते हैं तो आपके साथ में कोई बुरी शक्ति या कोई नजर दोष नहीं लग पाएगा ठीक है चौथा नंबर का जो सबसे चमत्कारी उपाय है वैसे इस उपाय को सही तरीका से ही करना चाहिए और इस उपाय को हमेशा अच्छे काम के लिए करना है ना कि बुरे काम के लिए क्योंकि बुरे काम के लिए बहुत जो है गड़बड़ हो जाता है आप जो है वसीकरण के लिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त की उपयोग किया जाता है ठीक है इसके जड़ को ध्यान से सुनेगा, इसके जड़ को और सफ़ेद दुर्वा घास दोनों को लेकर के पीस लेना है और पीस करके इसको सुबह के समय में यदि तिलक लगाया जाए ठीक है तिलक लगा करके आपको किसी सभा में यदि जाते हैं तो जिस जो भी आपको देखेगा वह आपके वसीभूत हो जाता है ठीक है आपकी ही बात करेगा यदि आप किसी लड़की को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं किसी महिला को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं तो बस इसका तिलक लगा करके आप उसके सामने जाइए वह आपके बातों में घूमने लगेगे वह वा आपकी वाली करेगी जो आप कहेंगे इतना जबरदस्त उपाय होता है इसका लेकिन इसके साथ इसका जो सही तरीक़ा से करने के लिए इसका एक मंत्र भी होता है जिस मंत्र को सिद्ध करने के बाद ही यह काम करता है लेकिन मैं वो मंत्र नहीं बताऊंगा क्योंकि इस मंत्र को यदि मैं बता देता हूं तो बहुत सारे लोग जो इसका गलत उपाय करेंगे तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे इस वीडियो के बनाने के माध्यम से किसी का जो है भला ना हो बल्कि बिगड़ जाए काम तो ऐसा काम मेरे को नहीं करना है ठीक है आप उसको यदि ज्यादा चाहते तो आप भूखे ढूंढ लीजिएगा लेकिन मैं वो गलत काम नहीं कर सकता सामने कहेंगे सही काम करेंगे लेकिन गलत काम कर ही देंगे इस वजह से जो है इस उपाय को आप एक बार जरूर आजमाइएगा मैंने कई सारे उपाय बताए हैं आयुर्वेदिक की दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भी दोनों के दोनों बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं जो आपके लाखों करोड़ रुपये बचा सकते हैं वैसे आज के इस वीडियो में मैंने इस चिड़चिड़ा का मार्ग के पौधे का बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है अगर आपको इस तो प्रकार के ज्ञान अच्छे हों लाभदायक लगते हों तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा अच्छा लगता हो तो जय माता दी जय माता दुर्गा जरूर रखेगा और मेरी एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें बल्कि सभी के साथ में शेयर जरूर